इस वीडियो देख रहे सारे ही दर्शकों मेरे वालों डॉक्टर जतेंद्र सिंह मट्टू वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जय भीम जय भारत जय मूलवासी। दोस्तों बहुत ही अहम ते गंभीर मसला आप जी नाल सांझा करन लगे हैं। पिछले एक महीने तो लगातार साडा पंजाब भारत और पूरा संसार ही एक बहुत ही भयंकर महामारी जिन्हों करोना वायरस का नाम दिता जा रहा है उहदे नाल लड़ रहा है और इस लड़ाई दे विच मैदान दे विच कौन लोग ने, मैदान दे विच ने डॉक्टर, मैदान दे विच ने नर्सां, मैदान दे विच ने एम्बूलेंस गड्डियां चलाउण वाले ड्राइवर वीर, एम्बूलेंस गड्डियां दे विच जो स्टाफ है वह मैदान दे विच ने, मैदान दे विच ने साडा हस्पताल विचला अमला जिहड़ा दिन रात मरीजां दी इलाज दे लई उहनां दी सेवा कर रहा है और नाल दी नाल जिहड़ा पंजाब दा पुलिस तंत्र है पुलिस महकमा है यह भी बेखौफ बेडर होके ताकि तुसीं घरां दे विच सुरक्षित रहो, तुसीं अपने परिवारां नाल जिउंदे वसदे रहो, वह पुलिस तंत्र दिन रात सड़कां ते पहरेदारी कर रहा है तुहानूं सुरक्षित करन दे लई। तीजे नंबर ते एक बहुत वड्डी धिर जिहड़ी बहुत लंबे समय तों शोषण दा शिकार रही है, शोषित हुंदी आई है, उहनां दे हक हकूक नहीं मिलदे रहे, उहने साडे सफाई सैनिक साथी जिहड़े बीमारी रहित समाज देण दे लई तुहानूं एक चंगा औरा, एक चंगा समाज, चंगा वातावरण देने दे लई पता नहीं रोज किन्नियां क वायरस, किन्नियां क बीमारियां घर लैके जांदे ने, किन्नियां क बीमारियां नाल पीड़ित हुंदे ने। सो पिछले दिनी मोरिंडा दे विच जिहड़ी साडी पंजाब कैबिनेट दे मिनिस्टर ने चरणजीत सिंह चन्नी उहनां वल्लों सफाई कर्मचारी साथी जदों अपना दर्द बयान करन लगी कि सानू 2400 रुपया महीना मिलता है जां साडी तनखाह बहुत घट है, सानू सरकार तक साडी आवाज पहुंचाओ और सानू रेगुलर करवाओ जां घट्टो घट साडियां तनखाहां दे विच इजाफा कराओ, वाधा कराओ तां कि असीं वी इक आम कर्मचारी जिन्नी इक भत्ते लैंदा, जिन्नी इक तनखाह लैंदा उहदे नाल तनखाहां दे नाल चंगा इक जिंदगी बसर कर सकीए। उस गल दे विच मंत्री साहब इन्ना क तैश दे विच आ गए, गुस्से दे विच आ गए कि उन्होंने साडी जिहड़ी उह कर्मचारी साथन सी उस नूं कह दिता, अपने अफसर नूं कह दिता कि इस नूं कल तों कम तों हटा दिओ। सो असीं डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी महासंघ कैबिनेट मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी दी इस घटना ते और जो वतीरा उन्होंने साडे उस कर्मचारी साथी नाल कीता, कर्मचारी साथन नाल कीता, असीं घोर शब्दां च निंदा करदे आ। अज इक पासे साडे पंजाब दे लोक साडे सफाई कर्मचारियों दे उत्ते फुल्लां दी वरखा कर रहे ने, उन्हां दे उत्ते फुल सुट के उन्हां नूं सन्मानित कर रहे ने। क्यों? क्योंकि जे ये लोग एक दिन भी या दो दिन भी कूड़ा चकना छड़ देन और ये सफाई करनी तुहाडी छड़ देन आले दुआले सरकार दे कम करने छड़ देन तां मैं समझदा करोना तो भी भयानक हालात पंजाब दे विच पैदा हो जाणगे, उहदे लई फिर तुसी मंत्री साहब जिम्मेवार होंगे। नंबर दो ते साडे पंजाब दे मुख मंत्री माणयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां दी हर रोज चर्चा हो रही है कि उन्होंने सूबे दे विच इस महामारी दे नाल लड़न लई चंगे उद्यम कीते ने, चंगे कार्ज कीते ने, चंगे प्रयास कीते ने। तुहाडी इस तरह कर्मचारी साथियों का मनोबल तोड़न लई, उन्हां दा आत्म विश्वास खत्म करन दे लई, उन्हां नूं बेइज्जत करन दे लई जो तुसी उस दिन घटना कीती है उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिहड़े मानयोग मुख मंत्री ने उन्हां दी भी उस जद्दोजहद नूं, उस लड़ाई नूं जो लड़ रहे ने महामारी के खिलाफ उन्हें एक बहुत वड्डी सट्ट मारी है। सो मैं कैबिनेट मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं पुछना चाहुंदा कि भारत दे संविधान अंदर जे साडे सानूं रिजर्वेशन मिली, जे साडे हलके राजनीति दे विच रिजर्वेशन मिली, सानूं तुहाडे हलके रिजर्व होए तां जाके तुसीं साडे समाज दी नुमाइंदगी करन दे लई विधानसभा दे विच बैठे हो। साडे संविधान दी बदौलत, साडे समाज दी बदौलत तुहाडी वजारत दे विच चोण होई क्योंकि सरकार दे विच अनुसूचित जातियां दी पैरवाई करन वाला और दलितां दी पैरवाई करन वाला कोई दलित लीडर होणा सी तां उहदे लई होर बाकी मिनिस्टर्स नूं, होर बाकी एमएलए नूं छड्ड के तुहानूं तवज्जो दे के मिनिस्टर बनाया गया ताकि तुसी साडे लोकां दी पैरवाई कर सको, तुसी साडे लोकां दे हक हकूक और साडा दुख दर्द जिहड़ा है गया सरकार तक पहुंचा सको। अज इस घोर संकट दे दौर विच जदों लोक डरे पए ने, सहमे पए ने कि पता नहीं असीं बचना है कि नहीं बचना, इन्नी भयानक बीमारी है लगातार फैलदी जा रही है, हजारां जानां चलियां गईयां, लखां लोक पीड़ित ने इस बीमारी नाल पूरे संसार च, अज तुसीं उस लड़ाई दे, उस महामारी दे खिलाफ जो जंग चल रही है उस दे विच जो साथी काम कर रहे ने, जो योधे काम कर रहे ने, उन्हां दा मनोबल तोड़न दे लई, उस जंग नूं मध्यम पाउण दे लई तुसीं इस तरह दीआं कारवाइयां कर रहे हो, तुहाडे मूहों इह गल्लां शोभा नहीं दिंदियां। एक मिनिस्टर चाहुंदा तां उहदी गल बड़े शांत तरीके नाल सुणदा और उहनूं हौसला देना सी कि असीं तुहाडे लई जरूर हमदर्दी रखांगे, तुहाडी जरूर गल उत्थे तक पहुंचावांगे, पर तुहानूं जिहड़ा तुहाडा वतीरा सी उहदे विचों हंकार दी जिहड़ी हैगी सी बदबू आ रही सी और ईगो की बदबू आ रही सी क्योंकि इस तरह
ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਵਾਸੀ।